हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे हम आज 1 से लेकर 5 फरवरी तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैं बाहर चला गया था, लैपटॉप भी लेके गया था बट चार्जर भूल गया था, जिसके कारण अभी मैं वीडियो आपको नहीं दे पा रहा था। और अब बाकी आगे आपके जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। एक प्रश्न हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोलकाता मेट्रो, इसका सही आंसर है। आज का हमारा प्रश्न है, बीसीसीआई ने इनमें से किसे क्रिकेट सलाहकार समिति यानी कि सीएसी में शामिल करने की घोषणा की है। तो ये चार ऑप्शन है, आपको एक कमेंट करके सही जवाब बताना है। गाइस, हमारी मध्य प्रदेश की करंट आउटलुक आ चुकी है जनवरी माह की, ये अगर आप लेना चाहें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ले सकते हैं। एक और चीज़ आप यहाँ पे जान लीजिए, ग्रुप हमने बनाया है इसके लिए, मध्य प्रदेश आउटलुक फैंस, ठीक है। तो ये लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने लिंक शेयर करी हुई है, तो वहां पर जाके आप इसका डेमो भी देख सकते हैं। और एक और चीज गाइस, बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स रहते हैं जो मैं डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस में इंक्लूड नहीं कर पाता हूं, तो वो मैं पीडीएफ में इंक्लूड कर देता हूं। आज भी कुछ क्वेश्चंस, अभी 10 क्वेश्चंस के समथिंग मुझे मिले हैं, और अगर कुछ और क्वेश्चंस अगर मुझे मिलते हैं तो वो भी मैं हमारी जो फरवरी माह की कंटेंट की जो पीडीएफ है वो मार्च माह में आपको मिलेगी, ठीक है। तो उसमें मैं इनको सबको इंक्लूड कर दूंगा, मार्च 2020 में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, टीटी नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक का आयोजन किसके विशिष्ट आतिथ्य में किया गया। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है ये है दीपिका कुमारी, और दीपिका कुमारी पद्मश्री भी हैं और ओलंपियन तीरंदाज भी हैं, ठीक है। और इनके विशिष्ट आतिथ्य में 1 फरवरी को टीटी नगर स्टेडियम है जो भोपाल का, वहां पर राज्य स्तरीय गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक का आयोजन किया गया। ये मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है। राज्य सरकार के निर्णय के बाद ही प्रांतीय ओलंपिक जो हैं वो मध्य प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं, और इसी मौके पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो पदक विजेता हैं उनके खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान करके सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये आयोजन है गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक का, पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिसमें ये भोपाल का जो आयोजन है उसमें ओलंपियन तीरंदाज जो है वो इनके विशिष्ट आतिथ्य में इसका आयोजन किया गया है। गाइज, हमारी एमपीपीएससी 2020 की जो टेस्ट सीरीज है वो आ चुकी है, वो आप ले सकते हैं। 30 फुल लेंथ टेस्ट इसमें आपको दिए जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन के तहत इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, 3 कर्मचारियों तक की स्थापनाओं के लिए 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई है। दूसरा ऑप्शन है, 3 से अधिक कर्मचारियों वाली समस्त स्थापनाओं के लिए 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई है। तीसरा ऑप्शन है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किए जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा, यानी कि ये प्रमाण पत्र है जब तक कि वो बंद नहीं कर देता है, ठीक है, जो भी वो काम कर रहा है तब तक वो रजिस्ट्रेशन जो है उसका मान्य रहेगा। उपरोक्त सभी, ये इसका सही ऑप्शन है, उपरोक्त सभी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कर दी गई हैं, और ये जो श्रम विभाग है उसके द्वारा ये किया गया है, मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 का है, ये ध्यान रखिए कब का है, 1958 का। इसमें नियम 4 और 5 के स्थान पर नए नियम बनाए गए हैं। इसमें जो धारा 6 की उपधारा 3 है उसके अधीन दिया गया जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र है वो नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किए जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा। दूसरा, धारा 6 की उपधारा 2 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए 3 कर्मचारियों तक की स्थापनाओं के लिए 200 रुपये, 3 से अधिक कर्मचारियों वाली समस्त स्थापनाओं के लिए 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी निर्धारित की गई है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए आप। इसके साथ साथ जो सभी नियोजक हैं उन्होंने जिन्होंने 15 फरवरी 2014 के पहले रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं वो इन नियमों के संशोधन के बाद अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के स्थान पर केवल रजिस्ट्रीकरण शब्द का उपयोग ही अब किया जाएगा। तो इतनी जो चीजें हैं वो इसमें संशोधित हुई हैं। अगला प्रश्न हमारा, राज्य सरकार द्वारा नर्मदा जयंती के अवसर पर कहाँ नदी महोत्सव आयोजित किया गया। तो ये नदी महोत्सव जो है ये आयोजित किया गया है मंडलेश्वर, यानी कि कहाँ पर, खरगोन महेश्वर, ठीक है। राज्य शासन द्वारा नर्मदा जयंती पर 1 फरवरी को खरगोन जिले की पवित्र नगरी मंडलेश्वर में 2 दिवसीय नदी महोत्सव का शुभारंभ किया गया, और इसकी जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन हैं, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, वहीं से बिलोंग करती हैं, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो वही है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये भी चीज़ ध्यान रखें। अच्छा, आपको एक और अमरकंटक पे जो है आपका वहाँ पर नर्मदा महोत्सव भी आयोजित अभी हाल ही में किया गया है।
किस प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, ये केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को जो है पहला स्थान अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसमें इंदौर जिला जो है उसको इस योजना के बेहतर प्रदर्शन के लिए पहले स्थान पर पूरे देश में चुना गया है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह जो है उसके क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, और ये सप्ताह मैंने आपको बताया था कि 2 से लेके 8 दिसंबर तक ये सप्ताह का क्रियान्वयन किया गया था, ठीक है। तो इसके क्रियान्वयन के लिए भी प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और ये 3 अवार्ड जो है वो मिलेंगे। एक तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरा इंदौर पहले स्थान पर है, तीसरा सप्ताह के क्रियान्वयन के लिए 3 अवार्ड जो है वो दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया जाएगा, उसमें उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। तो महिला बाल विकास मंत्री कौन है मध्य प्रदेश की? इमरती देवी। चलिए कमेंट करके बताइए कि इमरती देवी जो है इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं, कौन है? अनुपम राजन। 3 फरवरी को नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्राप्त करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थोड़े डेटा की, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसमें प्रदेश में अब तक कुल 14,55,501, ठीक है, 14,55,501 हितग्राही जो हैं उनको अभी तक रजिस्टर्ड इसमें किया गया है, और इसमें 13,40,224 हितग्राहियों को पहली किस्त, 12,60,304 को दूसरी किस्त, 8,80,517 हितग्राहियों को तीसरी किस्त जो है वो भुगतान कर दी गई है, ठीक है। तो ये डेटा याद रखें, आपको ये डेटा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये डेटा आपको याद रखना है, 14,55,501। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के कृतित्व और व्यक्तित्व से नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए कहाँ स्थित महाविद्यालय में लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी? तो देखिए, ये जो लाइब्रेरी है ये स्थापित की जाएगी सागर जिले के देवरी में स्थित महाविद्यालय में, ठीक है। और इसमें जो लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी उसमें महात्मा गांधी ने जो कार्य किए हैं या उनका जो व्यक्तित्व है उससे संबंधित पूरी जो पुस्तकें हैं या इनकी जो पुस्तकें हैं या इनसे संबंधित जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक है, किसी भी ऑथर ने लिखी हो, वो सारी यहाँ पे आपको रहेंगी। इसके साथ साथ गांधी जी के साथ साथ समकक्ष महापुरुषों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में शहीद सेनानियों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी जो है वो यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री हैं हर्ष यादव, उन्होंने अभी हाल ही में शहीद दिवस पर सागर जिले के अंतर्गत शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवरी में गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण किया है, और इन्होंने ही इस चीज की घोषणा करी है कि जो महाविद्यालय है वहां पर लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 1444 किलोमीटर का सुपर कॉरिडोर विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो देखिए, 1444 किलोमीटर का जो सुपर कॉरिडोर है उसको विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 1177 करोड़ रुपए की जो राशि है वो स्वीकृत कर दी है, ठीक है। और ये जो है ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और उसी पे सुपर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तृतीय चरण है, ध्यान रखिए तृतीय चरण है, उसमें 1177 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इसके लिए 60% केंद्र सरकार देगी, बाकी 40% जो है वो राज्य सरकार के द्वारा व्यय किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इस योजना में उन ग्रामीण सड़कों को भी शामिल किया जाएगा जिन पर, मतलब भी नहीं किया जाएगा, उन्हीं ग्रामीण सड़कों को शामिल किया जाएगा जिन पर शैक्षणिक संस्थाएं हैं या स्वास्थ्य संस्थाएं या फिर कृषि उपज मंडियां स्थापित हैं। इसका जो निर्माण है वो 2 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। इसमें 108 ग्रामीण सड़कें और 27 पुलों का कुल निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से सामान्य क्षेत्रों में 500 तक की आबादी वाले जो ग्राम हैं और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 तक की आबादी वाले जो गांव हैं उनको डामरीकृत मार्गों से अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जोड़ा जा चुका है। हाल ही में आईफा फिल्म अवार्ड के कार्य संपादन के लिए किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है? देखिए, आईफा अवार्ड मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाना है, आपको पता है, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि मध्य प्रदेश में अवार्ड होगा, और देश में ऐसा दूसरी बार हो रहा है, क्योंकि एक बार मुंबई में हो चुका है, दूसरी बार मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो पर्यटन विभाग है
इसको आईफा फिल्म अवार्ड के कार्य संपादन के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। साथ में ही राज्य शासन ने मुख्य सचिव यानी कि सुधीर रंजन मोहंती की अध्यक्षता में इसके लिए एक समिति का भी गठन किया हुआ है। इस समिति में मुख्य सचिव जो हैं वो अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और प्रमुख सचिव जनसंपर्क विभाग और सचिव वाणिज्य कर, ठीक है, इतने लोगों को सदस्य बनाया गया है और सचिव पर्यटन को सदस्य सचिव मनोनीत किया गया है। मतलब जो पर्यटन सचिव हैं किदवई जी हैं, जो फैज किदवई, ठीक है, उनको भी इसमें जो है वो सदस्य मनोनीत करा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ कार्य संपादन के लिए पर्यटन विभाग को नोडल विभाग इसके लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए, विश्व वेटलैंड दिवस यानी कि विश्व नम भूमि दिवस जो है हर साल 2 फरवरी को आयोजित किया जाता है। रामसर एक करके एक जगह थी, वहाँ पे एक संधि हुई थी, ये जगह जो है कहाँ पर है आपकी, चलिए कमेंट करके बताइए कि रामसर जो है वो कहाँ पर है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने जनवरी माह की जो हमारी ई बुक है उसमें दे दी थी, ठीक है, पूरी जानकारी से संबंधित मैंने उसमें दे दी है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी साइट्स हैं जो वेटलैंड्स में आती हैं, ठीक है, रामसर की संधि क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी, चलिए कमेंट करके इसको बताएं। देखिए, तो ये जो 2 फरवरी को है तो एप्को में जो राज्य वेटलैंड प्राधिकरण जो है और नगर निगम, ठीक है, उनके संयुक्त तत्वाधान में वेटलैंड्स और जैव विविधता जन जागरूकता कार्यक्रम एक आयोजित किया गया है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि विश्व वेटलैंड दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वर्ष 2018 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे दिया गया है। तो देखिए, 2017 2018 दोनों के जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है उनकी घोषणा कर दी गई अभी हाल ही में। तो इसमें जो जतिन गोस्वामी है, गुरु जतिन गोस्वामी ये हैं, इनको ये अवार्ड 2017 के लिए दिया गया है। उमा शर्मा जो है इनको ये अवार्ड 2018 के लिए दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि उमा शर्मा जो है इनका जन्म जो है वो धौलपुर में हुआ था, यानी इनका संबंध कहाँ पर, कहाँ से है, राजस्थान से है, हालांकि अभी ये दिल्ली में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जतिन गोस्वामी जी जो हैं ये इनका संबंध है असम राज्य से, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पद्मश्री इनको पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है, इससे सम्मानित इनको किया जा चुका है। और ये जो अवार्ड है, देखिए, कालिदास सम्मान जो है वो अलग अलग विधाओं में दिया जाता है, इनमें से ये जो है आपको शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। कथक नृत्यांगना है गुरु उमा शर्मा और वरिष्ठ नृत्य गुरु जतन गोस्वामी को ये अवार्ड दिया गया है। और ये सम्मान जो है इनको खजुराहो में 20 फरवरी को नृत्य समारोह के शुभारंभ अवसर पर प्रदान किया जाएगा। नृत्य गुरु जो जतन गोस्वामी, इनको वर्ष 2017 का, उमा शर्मा को वर्ष 2018 का यह सम्मान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि और सम्मान पट्टिका प्रदान की जाएगी। और यहाँ पे अगर बात करते हैं गुरु जतिन गोस्वामी की, तो ये प्रतिष्ठित वरिष्ठ नर्तक और कोरियोग्राफर हैं। गुरु उमा शर्मा प्रतिष्ठित कथक नृत्य गुरु हैं और इन्होंने जयपुर घराने की जो कथक परंपरा है, इनकी बात कर रहे हैं हम उमा शर्मा की, ठीक है, उस कथक परंपरा के बाद शंभू महाराज और बिरजू महाराज का भी मार्गदर्शन प्राप्त किया, मतलब ये इनके गुरु रहे हैं। उमा जी जो हैं वो पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान से अलंकृत कथक नृत्यांगना है, ठीक है। तो इतनी जानकारी है, बाकी अगर कुछ और जानकारी होती है तो मैं उसको ई बुक में इंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट हमारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें एक बर्ड सर्वे कराया गया था, यानी कि पक्षियों के लिए एक सर्वे कराया गया था कि कौन कौन सी प्रजातियां जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो उसमें करीब 174 प्रजातियों का पता लग चुका है, इनमें से 12 दुर्लभ प्रजाति के पक्षी हैं। हालांकि ये जो प्रजातियां हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। ये जो पक्षी हैं इनमें से एल्पाइन स्विफ्ट, येलो लेग्ड वटन क्वेल, मतलब ध्यान रख लीजिए, केवल पढ़ लीजिए एक बार, रटने की जरूरत नहीं है इसको। और यहाँ पर अगर बात करें देश में भी इन पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो बमुश्किल मिलती हैं, लगभग 60 लोगों की 22 टीमों ने 44 सर्वे रूट पर पक्षी सर्वेक्षण किया हुआ है। इसमें 4 प्रजाति की किंगफिशर, विभिन्न प्रजाति के पैराकीट, ट्राइक, प्रिनिया, मार्टिन, सोलो, बाबलर, ये 174 प्रजाति के पक्षी जो है सर्वेक्षण के दौरान पाए गए हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 174 प्रजातियों का पता लगा है जिनमें से 12 जो है वो आपकी दुर्लभ प्रजातियां हैं, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। गाइस, ये पूरा था हमारा करंट अफेयर का वीडियो। अच्छा लगा है अगर तो लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।